हेलो फ्रेंड्स, अल्पना मौसमी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी की यह हेल्दी रेसिपी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है आधे कप के करीब सूजी, यह बारीक सूजी है, इसे हम रवा कहते हैं। इसमें डालने हैं हमें आधे कप के करीब दही। तो दही ताज़ा होना चाहिए और दही को आप पहले अच्छी तरह फेंट लें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह स्मूथ हो गया है। इसमें हमें खट्टे दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और एक चौथाई कप के करीब पानी या फिर 2 टेबल स्पून पानी ले सकते हैं। चिली फ्लेक्स, जीरा आधी छोटी चम्मच, भुने हुए जीरे के पाउडर 1/4 चम्मच। आप इसमें और भी फ्लेवर डाल सकते हैं, जैसे ओरिगेनो ले सकते हैं। काली मिर्च के पाउडर 1/4 चम्मच। इसमें थोड़ा सा तीखापन आएगा। और सेजवान चटनी 1 चम्मच। सेजवान चटनी यहाँ पे टोटली ऑप्शनल है। और फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा सा चीज़ डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। तो ये मेरे पास चीज़ के स्लाइसेस हैं और देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। या फिर चीज़ के क्यूब्स भी डाल सकते हैं, दोनों सेम ही है, आपको जो भी पसंद हो आप वो डालें। आप चाहे तो चीज़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ हमारा थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, इस वजह से मैं इस तरह से तोड़ के डाल रही हूँ। और नमक हमें डालने हैं स्वाद अनुसार, पर नमक ज़रा ध्यान से डालें क्योंकि सेजवान चटनी में भी नमक होता है। तो नमक हम कम डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह फेंट लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो चीज़ है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए, मिल जाए इसमें। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा सूजी का बैटर बनकर तैयार हो गया है। तो आइए इसे हम ढक के रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो सूजी है अच्छी तरह फूल जाए और चीज़ भी मेल्ट हो जाए। तो 15 मिनट हो गया है, आइए एक बार चेक कर लेते हैं अपने बैटर को। तो फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है और परफेक्ट है। हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर नहीं चाहिए, हमें बैटर थिक ही चाहिए। तो यह परफेक्ट है और चीज़ भी हमारा लगभग मेल्ट हो गया है। इसमें छोटे छोटे चीज़ के टुकड़े हैं, तो फ्राई होने के बाद जब खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए इसे अब हम सेक लेते हैं। तो मैंने पैन में डाल दिया है 1 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। और इस रेसिपी को हो सके तो आप नॉनस्टिक पैन में ही बनाएं, इससे जो है आसानी से निकल आएगा, चिपकेगा नहीं। और इसमें 1 चम्मच के करीब बैटर डालें और उसे अच्छी तरह फैला लें। और इसे हमें ढककर 2 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि यह नीचे से भी सिक जाए और ऊपर से भी ड्राई हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊपर से भी लगभग ड्राई हो गया है, तो इस तरह से आसानी से निकल आएगा। तो चलिए इसे हम पलट लेते हैं। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाने हैं, ताकि अंदर तक पकेगा। और इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसे हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। इस तरह से देख सकते फ्रेंड्स, अंदर से जो चीज़ है वो भी मेल्ट हो गया है। यह खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक हमारा ये पैनकेक बनकर तैयार हो गया है सूजी के। तो बाकी सभी को हमें ऐसे ही बना लेने हैं और इसे हम सर्व करेंगे टमाटो केचप, हरी चटनी या फिर इमली चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो होप सो आपको हमारा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। और आप हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।